हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मन की दृढ़ता की व्याख्या पढ़ेंगे। इसके पहले कि मैंने वीडियो बनाई है, उसका सारांश था पूरा कि इस चैप्टर में क्या है, और आज हम इसकी व्याख्या देखेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम मन की दृढ़ता की व्याख्या पढ़ेंगे। हमने पहले के वीडियो में इसके सारांश देख लिया कि इस चैप्टर में क्या है। अब हम इसकी दो व्याख्या को हम डिस्कस करेंगे। तो पहली व्याख्या आप देख रहे होंगे, पहली व्याख्या ये है कि किंतु इसके विपरीत यह मान लेने में कि जितने अच्छे गुण हैं उनके उद्दीपित करने का यही उत्तम उपाय है कि हम उन गुणों को की यथोचित मीमांसा कर उनसे जो लाभ है उन्हें प्रकट कर दिखावे, तब अलबत्ता लेख आदि की आवश्यकता हो सकती है। और कुछ नहीं तो इतना ही सही कि जो लोग उन गुणों के आधार है उनके साथ सहानुभूति प्रकाश करने से हम ऐसे लोगों को कुंचित भी हर्ष पहुंचा सकेंगे, तो हमारे लेख का कुछ कृत्य हुआ। और इसी को ध्यान में रख हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये व्याख्या देख के समझ में आ गई होगी कि बाल कृष्ण द्वारा मन की दृढ़ता का है, मतलब ये बाल कृष्ण द्वारा लिखा गया है। ये व्याख्या आपको पूछे जाएंगे तो आपको तीन पॉइंट्स में इसके आंसर देने पड़ेंगे। पहला हमें लिखना है प्रसंग, दूसरा व्याख्या, तीसरा विशेष। पहले प्रसंग में हम ये इसमें ये बताएंगे कि हमें ये पैरा देख के बताना पड़ेगा कि ये किस चैप्टर का है, ये किसने लिखा है। तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण बालकृष्ण भट्ट के मन की दृढ़ता शीर्षक निबंध से यह लिया गया है, ठीक है। और लेखक ने इसमें यह भी बताया है कि अनेक मानसिक शक्तियाँ भी, दृढ़ता भी मन का एक उत्तम धर्म है। लेखक मन की दृढ़ता के बारे में निबंध लिखने की आवश्यकता के बारे में पहले जानकारी दे देना चाहता है और तभी निबंध को आगे बढ़ाना वह उचित समझता है, ठीक है। फिर इसकी हम व्याख्या में लिखेंगे कि ये जो मैंने अभी पैरा पढ़ा उसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि व्यक्तियों में कोई ना कोई मानसिक गुण तो होता ही है, ठीक है, और वे उन गुणों का लाभ भी उठा रहे हैं, पर उन्हें इस बारे में लेख लिख कर क्या लाभ पहुँचाया जा सकता है, इस जिज्ञासा के ही बारे में लेखक ने आगे वर्णन करता है। और ये वर्णन करते हुए वह क्या कहता है कि जितने भी अच्छे गुण हैं उन्हें मतलब उद्दीपित करो, उन्हें ज़्यादा बढ़ाओ, जो भी तुम्हारे अंदर अच्छे गुण हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उभारने की कोशिश करो, उन्हें उभारना ही एक सबसे बेस्ट उपाय है, ठीक है। वह उपाय यह है कि उन गुणों का विश्लेषण हो, ठीक है, उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको दिखाया जाए, उन गुणों के बारे में बारीकी से लिखा जाए। जो भी आपके अंदर गुण है आप उसको पहले लिखो कि आपके अंदर उसमें गुण क्या है, उनके लक्षण, उनके अच्छे प्रभाव आदि समझा कर इसमें स्पष्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। और इस बारे में निबंध लिखे जाने का यही लाभ होगा, यही उपयोगिता होगी कि उसके माध्यम से वे गुण, मानसिक गुण दूसरों की समझ में आ जाएंगे, दूसरे लोग निबंध पढ़कर उन गुणों से भली प्रकार परिचित हो सकेंगे, ठीक है, अपने गुणों को वे पहचान सकेंगे इस मन की दृढ़ता को पढ़ने के बाद, ठीक है। भट्ट जी का इसमें यही कहना है। और यही जब भी उन गुणों से भली प्रकार परिचित हो सकेंगे, और यही एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है। फिर निबंध लेखक का तथा निबंध से पाठकों को यही बड़ा लाभ प्राप्त हो जाएगा। यदि ऐसा ना भी हुआ ना तो भी उन लोगों को तो गुण के बारे में लिखे निबंध से लाभ होगा जिनमें ये गुण विद्यमान है। जो भी ये गुण इस निबंध में आपको बताए गए हैं वो हमारे अगर गुण होंगे हमारे अंदर तो हम उसको पहचान सकेंगे, ठीक है। तो इसमें यही लिखा गया और निबंध कि यही इसमें यही एक उपलब्धि है कि निबंध लिखे जाने की सार्थकता होगी। यही सब सोच कर है ना भट्ट जी अपने मन की दृढ़ता विषय पर निबंध लिखना अच्छा मानते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इसका एक्सप्लेनेशन और मतलब व्याख्या सॉरी। और विशेष इसमें हम क्या लिख देंगे कि लेखक ने मन की दृढ़ता के संबंध में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। दूसरा हम लिख देंगे कि इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, इसमें तत्सम शब्द का प्रदान है, पर अलबत्ता उर्दू के शब्द से भी परहेज नहीं है और शैली विश्लेषणात्मक है, ठीक है। ये तो हमारा पहली व्याख्या है। अब हम दूसरी व्याख्या देखते हैं। ये है हमारी दूसरी व्याख्या। इसमें भट्ट जी का कहना है कि गधा पीठ घोड़ा ना हो सकेगा, ऐसा मानने वालों के मत का खंडन करना हमारा तात्पर्य नहीं है, किंतु इसके साथ ही हम यह भी मानते हैं कि बुद्धि का काम मनुष्य को सत्कर्म संबंधी शिक्षा देने से यही मालूम होता है कि यद्यपि जो बात प्रबल संस्कार के कारण या किसी दूसरे हेतु से दैव ही नहीं ना किसी को नहीं दिया, वह बात हम उसमें ना उपजा सके तो इतना करें कि सदुपदेश
कि परिणित दशा पर उसकी आँख तो खोल दे, अर्थात उसकी उपेक्षा 10 भले लोग और 10 बुरे लोग के साथ उसके चाल चलन का मिलान कर उसकी भली या बुरी चित्तवृत्ति का एक अंदाजा तो उसे दे दे। उपरांत उसे समय स्वयं अधिकार है, चाहे वह अपनी दशा को आगे बढ़ावे अथवा अधः पतन से अपने को नीचे गिराता ही जाए, कि क्योंकि अब यह कहने वाला तो कोई ना रहेगा कि सुधारने के लिए किसी ने कुछ यत्न ना किया। ये हमारी व्याख्या। इसमें ना प्रस्तुत अवतरण में ये जो है अवतरण है, यह बालकृष्ण भक्त ने निबंध मन की दृढ़ता से अवतरित है, ठीक है। इसमें आप प्रश्न में ये लिख देना, लेखक ने इसमें ये क्या बताया कि लेखक ने इसमें कहा है कि गधे को पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। यह तथ्य है, पर फिर भी सुधार हेतु अगर उपाय करने वाले द्वारा किए जाने वाले उपायों का कोई महत्व अवश्य होता है, यही बात है लेखक कहना चाह रहे हैं। लेखक कहता है कि हम जो आगे अपनी बात कहने जा रहे हैं कि इसके पीछे यह उद्देश्य नहीं है कि हम दूसरों को इस मान्यता का खंडन करने जा रहे हैं कि गधा पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। इसमें लेखक का कहना यही है कि हम कोई इसमें ना कोई मतलब हमारा कहने का उद्देश्य कुछ और है। इसमें लेखक कुछ और कहना चाहता है, इसका उद्देश्य कुछ और है। वह मानता है कि बुद्धि का काम उपयोग है दूसरे मनुष्य को अच्छे काम करने की शिक्षा देना। मान लिया कि विशिष्ट संस्कार के रहने के कारण या भाग्य से दैव योग से कोई एक अच्छी विशेषता एक व्यक्ति में नहीं आ पाई, पर फिर भी हम प्रयत्न करके वह अच्छी विशेषता उस व्यक्ति पे पैदा नहीं कर पाए, तो भी हमारा एक दूसरा कर्तव्य तो है ही। वह यह है कि हम अच्छी तरह से उसे उपदेश दे, समझाए, उसके मन में बिठाए और उसकी कम से कम आँखें ही खोल दें, कम से कम उसमें चेतना ही पैदा कर दें, ठीक है। उसमें इतनी शक्ति इच्छा शक्ति उसमें इतनी उत्पन्न कर दो कि उसे जानने के लिए उत्सुक ही बना दे कि वह और जिसे वह 10-5 दूसरे अच्छे और बुरे लोगों से अपनी तुलना ही करने लगे। इसका लाभ यह होगा कि उस व्यक्ति को यह तो अंदाजा हो सकेगा कि उसमें खुद में ही वह चित्तवृत्ति है, वह अच्छी है या बुरी है, ठीक है। इतना यदि हम कर दें तो बहुत है। फिर उस व्यक्ति पर निर्भर हो करेगा उसी व्यक्ति पर फिर यह निर्भर करेगा कि इसके बाद भी वह बदलता है या आपको नहीं, या खुद नहीं बदलता या आपको नहीं बदलता, ठीक है। वह अपनी उन्नति करता है या अपने पतन के मार्ग पर ही बढ़ता जाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति में चेतन जगा दी जाने पर समाज यह नहीं कहेगा कि ऐसा व्यक्ति ना हुआ, कोई अपने सामाजिक दायित्व को निभाने वाला ऐसा पैदा ना हुआ जिसने समाज के लोगों की भलाई के लिए अच्छा कार्य का प्रयत्न किया होता। इस प्रकार लेखक भट्ट जी को दूसरे की अच्छाई बुराई को देखने की एक चेतना जगाने के उद्देश्य से कुछ लिखना आवश्यक समझते हैं। ये तो थी हमारी ये व्याख्या की व्याख्या।